के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी के लिए, और वो है पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लेंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या घी ले सकते हैं। उसमें हम कुटा हुआ मसाला डालेंगे, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी दालचीनी, सफ़ेद इलायची और काली इलायची, इन सबको हम कूट के सूखा खड़ा मसाला तैयार करेंगे, और वो इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे। इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे। मतलब आपको जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखें। और इसमें अब हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर को मैंने पानी में घोल के इसमें डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप खोए का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया भी ना हो तो जो बर्फ़ी आती है ना बाज़ार में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। हाँ जी, आज मैं आपको सारी सब्जियों में किचन किंग मसाला बता रही हूँ, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अब हमारे इसमें सारे मसाले जब पड़ जाएंगे तो हम मसालों को भूनेंगे। फ्रेंड्स, फ्लेम बहुत ही स्लो रहनी चाहिए, तेज़ फ्लेम पे मत भूनिएगा, नहीं तो सारे मसाले आपके जल जाएंगे, फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा और आप कहेंगे कि पता नहीं कैसी रेसिपी बताई है। अब हम इसमें 3 चम्मच काजू, खसखस और जो मेलन सीड्स होती है ना, मतलब खरबूजे के बीज, उसका पेस्ट बना के डालेंगे। मैंने इन सभी चीज़ों को रात को खूब अच्छे से धो के भिगो दिया था और फिर सुबह इसका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे तो भी ये आपके लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए, हमारा ऑयल रिलीज हो चुका है। इस टाइम पर हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से मसाले सब एडजस्ट हो जाते हैं, उससे मीठापन नहीं इतना रहता, लेकिन मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। अब जो हमने टमाटर प्यूरी तैयार की थी ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको हम भुनने देंगे। अब ये मसाला भी हमारा भुन चुका है, देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है इसमें। अब हम आगे की इसकी प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे, और इसमें हम सबसे पहले 1 कप दूध को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जैसे ढाबा और हलवाई वाले बनाते हैं उसी तरीके की मैंने आपको रेसिपी बताई है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप फटाफट इसे बना सकती हैं घर पर। इसमें अब हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, लगभग 1/2 कप। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी में कच्चेपन का फ्लेवर नहीं आता है फ्रेंड्स, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब्जियों में हम गर्म पानी ही डालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मसाले ऑयल को रिलीज़ नहीं करते हैं, तो गर्म पानी डालने से मसाले ऑयल को रिलीज़ कर देते हैं। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर डालेंगे काट कर, और इसको खूब अच्छे से खदकने देंगे। इसे लगभग हमें 10 से 15 मिनट तक खदकाना है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो बहुत बहुत देर तक सब्जियों को खौलाते हैं, तो उनका इसीलिए अलग टेस्ट रहता है बिल्कुल सब्जियों का। अब हम 1 चम्मच घी लेंगे, उसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी हमें खूब अच्छे से क्रश करके इसमें डालनी है, और 1 मुट्ठी भरकर लगभग हम इसमें हरा धनिया डालेंगे काट कर। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये सभी चीज़ें इसका फ्लेवर भी एकदम बहुत अच्छा कर देंगी, बहुत बढ़ा देंगे इसका फ्लेवर, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, कि देख के ही मन करे कि इसे फटाफट से खा लो। ये देखिए, अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, और इसको थोड़ा सा और हम बॉयल होने देंगे, और इसके बाद हमारी ये पनीर की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो जाएगी बिल्कुल। इसे बना के देखें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई कि नहीं आई फ्रेंड्स। और
प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ करें। अब हम पनीर की सब्ज़ी देखिए बना चुके हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है।